हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में दोस्तों हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन और उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। लास्ट लेक्चर में भी हमने आइडियल गैस इक्वेशन से कई सारे एग्जांपल किए थे। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर दोस्तों हम यहाँ पे भी आइडियल गैस के कुछ एग्जांपल करने वाले हैं। इन कंपैरिजन टू प्रीवियस लेक्चर आज के जो एग्जांपल होंगे हम थोड़े स्पीड से करेंगे, बिकॉज अभी दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली है। सो अगर यहाँ पे थोड़ी स्पीड के साथ काम करते हैं तो सभी को कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। वन मोर थिंग, कई सारे ऐसे एग्जांपल होंगे, कई सारे स्टेप्स होंगे जो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, आपको कंप्लीट करने होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल नंबर 22। यू कैन रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जांपल नंबर 22 ऑन द स्क्रीन। एग्जांपल नंबर 22 इज 2.9 ग्राम ऑफ गैस एट 95 डिग्री सेंटीग्रेड ऑक्यूपाइड द सेम वॉल्यूम इज 0.184 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड एट द सेम प्रेशर। What is the molar mass of the gas? अभी दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली ये समझना है, there is two different condition। दो अलग अलग condition में दोस्तों, एक में hydrogen gas में और एक में unknown gas है। ये दोनों condition है, hydrogen gas and the unknown gas। hydrogen gas को उसका कितना mass लिया, the mass of the hydrogen gas is 0.184 ग्राम। 184 ग्राम का हमने mass उसका mass लिया है। तब दोस्तों उसका जो वॉल्यूम है, आई रिपीट, तब उसका जो वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम किसका है, उतना ही वॉल्यूम एक अननोन गैस का है जिसका मास 2.9 ग्राम है। और तब टेम्परेचर क्या मेंटेन कर रहा है, दैट टेम्परेचर इज 95 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दोनों कंटेनर में डिफरेंस ये है, फर्स्ट डिफरेंस इन टेम्परेचर। हाइड्रोजन वाले कंटेनर का 70 डिग्री है और अनदर गैस का कितना है, 95 है। सेकंड कंडीशन, सेकंड दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, दूसरी चीज़ जो फर्स्ट गैस है उसका मास कितना है 2.9 ग्राम, एट द सेम टाइम हाइड्रोजन का कितना है 0.184 ग्राम। उसके अलावा दोस्तों अगर दोनों के वॉल्यूम की बात करें तब दोनों के वॉल्यूम इक्वल है एट इक्वल प्रेशर। इन दैट गैस वॉल्यूम ऑफ द बोथ गैस एंड द प्रेशर ऑफ द बोथ गैस आर इक्वल। सो पहले दोस्तों हम केस वन लेते हैं। केस वन इज फॉर अननोन गैस। अननोन गैस में दोस्तों अगर मेरे को मोल चाहिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मोल, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। सो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास इज 2.9 फॉर अननोन गैस, मोलिकुलर मास दैट वी हैव टू कैलकुलेट एट विच टेम्परेचर, एट टेम्परेचर 95 डिग्री सेंटीग्रेड वी हैव टू कन्वर्ट दिस 95 डिग्री सेंटीग्रेड इन टू कैलविन। सो वी कैन राइट 95 प्लस 273 इज इक्वल टू 368 कैलविन टेम्परेचर। द प्रेशर एंड द वॉल्यूम इज इक्वल टू, आई रिपीट, प्रेशर एंड द वॉल्यूम इज इक्वल टू द हाइड्रोजन गैस इन विच द मास इज 0.184 एंड द टेम्परेचर इज 17। सो सेम कंडीशन हम अभी सोच रहे हैं फॉर द हाइड्रोजन गैस, व्हाट विल बी द मास ऑफ द हाइड्रोजन, सेम फॉर्मूला मास, सॉरी, व्हाट विल बी द मोल ऑफ द हाइड्रोजन गैस, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास इज इक्वल टू 0.184 ग्राम, मोलर मास फॉर द H2 गैस इज 2। सो यहाँ पे दोस्तों हमको पूरा मोल मिला है। एट विच टेम्परेचर, टेम्परेचर इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 17 प्लस 273 विच इज 290 केल्विन टेम्परेचर। प्रेशर इज इक्वल एंड द वॉल्यूम इज इक्वल। सो अगर दोस्तों यहाँ पे हम सोचे, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी इंटू वी, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल। यहाँ से इस तरह से लिखते हैं, प्रेशर इंटू वॉल्यूम फॉर द अननोन गैस इज इक्वल टू nRT। प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर द हाइड्रोजन गैस ऑल्सो इक्वल टू nRT। n 2.9 अपॉन m, n इज इक्वल टू 2.9 अपॉन m। r दैट इज रेड कॉन्स्टेंट, सॉरी, गैस कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट जो दोनों के लिए इक्वली होगा। t 368 केल्विन टेम्परेचर। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, प्रेशर को यहाँ पे लिख दिया। सो PV इज इक्वल टू और सेम वॉल्यूम, इट मीन्स V इज इक्वल टू 2.9 r 360 बाई m। सिमिलर विथ हाइड्रोजन गैस, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन द मोल दैट वी हैव कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर, गैस कॉन्स्टेंट आर इज कॉमन इन फॉर द बोथ गैसेज, टेम्परेचर इज 290 केल्विन। हियर द प्रेशर इन द वॉल्यूम फॉर द अननोन गैस एंड द प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस आर कॉमन एट पर्टिकुलर गिवन कंडीशन, एट पर्टिकुलर दिस टेम्परेचर एंड दिस मास। सो वी कैन कंपेयर वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस एंड वॉल्यूम ऑफ द अननोन गैस। सो वॉल्यूम ऑफ द अननोन गैस, और वी कैन से यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ प्रेशर इनटू वॉल्यूम,
pressure into volume. So pressure into volume for the unknown gas P into V is equal to 2.9 by m r 368 by m. यहाँ से दोस्तों P निकल रहा हूँ दोनों जगह से. प्रेशर इंटू वॉल्यूम ऑफ दी एस टू, प्रेशर इज इक्वल टू, दोनों इक्वली है. सो प्रेशर हमने क्या क्या है, पी इंटू वी करा, सॉरी. सो प्रेशर इंटू वॉल्यूम दैट इज एन आर टी, एन इज इक्वल टू 0.092, आर इज आर, टेम्परेचर इज 290, सो 290. अगर यहाँ पे दोस्तों पहली चीज़ हम क्या करेंगे, वी कैन कैंसल दी रेट गैस कॉन्स्टेंट आर इज देयर बिकॉज बोथ आर सेम कंडीशन, सो वैल्यू ऑफ द गैस कॉन्स्टेंट आर इज ऑल्सो अ कॉमन. नाउ अवर टारगेट इज मोलर मास, सो वी कैन राइट मोलर मास इज इक्वल टू, उसको ऊपर लिखते हैं 0.092 एंड 290 को दोस्तों नीचे लिखते हैं, देन मोलर मास फॉर द अननोन गैस इज 2.9 इंटू 368 डिवाइडेड बाई 0.092 डिवाइडेड बाई 290. अगर यहाँ से आर कैंसिल ना करो तो आप एक स्टेप आगे जाके कर दोगे. If you calculate 2.9 into 368 divided by 0.092 into 290, और जो आपको आंसर मिले वो आंसर को अगर आप राउंड अप करोगे देन यू विल गेट नियर अबाउट 40. सो मैंने यहाँ पर राउंड अप किया हुआ वैल्यू लिखा. आपको क्या करना है, जब खुद से कैलकुलेट करो यहाँ पर ग्राम पर मोल में जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है फ्रॉम दिस कैलकुलेशन वो भी लिखना है, एंड आफ्टर राउंड अप जो आ रहा है वो भी आपको लिखना है. दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 22. ओके, देन एग्जाम्पल नंबर 23. अगेन एग्जाम्पल नंबर 23 इज फ्रॉम दी NCERT. सो रीड द क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम्पल नंबर 23. अ ड्रेन क्लीनर, व्हाट इज ड्रेन क्लीनर, जो दोस्तों हमारी ड्रेनेज लाइन होती है, ड्रेनेज लाइन की क्लीनिंग के लिए जो सॉल्यूशन यूज होता है दैट इज ड्रेन क्लीनर. ड्रेन क्लीनर कंटेन स्मॉल बिट्स ऑफ एल्यूमिनियम, ड्रेन क्लीनर के अंदर थोड़ी क्वांटिटी में क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, विच रिएक्ट विद कॉस्टिक सोडा टू प्रोड्यूस डाइहाइड्रोजन गैस. जो थोड़ा सा एल्यूमिनियम है दैट एल्यूमिनियम इज रिएक्ट विद कॉस्टिक सोडा. व्हाट इज कॉस्टिक सोडा, NaOH. व्हाट इज कॉस्टिक पोटास, KOS. हियर अवर नीड इज कॉस्टिक सोडा, सो दैट एल्यूमिनियम इज रिएक्ट विद कॉस्टिक सोडा, इट मींस NaOH टू प्रोड्यूस H2 गैस, वहाँ पे H2 गैस प्रोड्यूस होगा. व्हाट वॉल्यूम ऑफ द डाइहाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 bar प्रेशर रिलीज व्हेन 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट. अभी यहाँ पे गलती होने की पॉसिबिलिटी इसलिए है, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया बट पूरा क्वेश्चन नहीं समझा. यहाँ पे दोस्तों अगर ठीक से देखोगे देर इज़ टू डिफरेंट कंडीशंस आर देयर, वन इज़ STP कंडीशन, वन इज़ नॉर्मल कंडीशन. अगर दो अलग कंडीशन को आपने एक ही समझ लिया देन यू विल यूज़ आइडियल गैस इक्वेशन और एनी अदर रूल, बट दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज़ नॉट फॉर द अदर रूल, दिस इज़ कंबाइंड गैस रूल. टू डिफरेंट कंडीशन, प्रेशर P1V1/T1 फॉर दी वन कंडीशन, P2V2/T2 फॉर दी सेकंड कंडीशन. बट हाउ कैन वी कैलकुलेट और हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट पैरामीटर्स, लेट अस सी. क्वेश्चन में पहले जो चीज़ की है उससे स्टार्ट करते हैं. इन अवर क्वेश्चन ड्रेनेज क्लीनर के साथ सम बीट ऑफ एल्यूमिनियम इज देयर विच इज रिएक्ट विथ NaOH टू प्रोड्यूस H2 गैस. दिस इक्वेशन सर, ये इक्वेशन तो पूरे चैप्टर में कहीं पर नहीं आया है, बट अगर दोस्तों आप 10th की या 9th की साइंस की बुक पकड़ोगे, दी मेटल विथ कॉस्टिक सोडा ऐसी एक रिएक्शन थी, मे बी आपके सिलेबस में नहीं आया इन दी 9th और 10th, देन देर इज़ वन चैप्टर इन अवर सिलेबस दैट इज हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन गैस में दोस्तों ये इक्वेशन आएगा. सो अगर आ चुका है तो आपको याद होना चाहिए, नहीं आया है तो अभी आपको मगअप कर लेना है दैट एल्यूमिनियम विथ NaOH वी विल गेट NaAlO2 प्लस 3H2, H2O चाहिए टू प्रोड्यूस H2 गैस. तब दोस्तों आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, जब हमारे पास 2 moles ऑफ एल्यूमिनियम है, व्हेन 2 moles ऑफ एल्यूमिनियम, 2 moles ऑफ NaOH एंड 2 moles ऑफ H2O, देन वी विल गेट 3 moles ऑफ H2 गैस. इट मीन्स 2 moles एल्यूमिनियम, 3 moles गैस. अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है, दैट एल्यूमिनियम इज इन मास, सो एल्यूमिनियम का हमको मास चाहिए. एट द सेम टाइम हाइड्रोजन गैस, फॉर द हाइड्रोजन गैस अवर नीड इज वॉल्यूम, सो इसको वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम करेंगे. ये तो मोल कंसेप्ट में आपने कर लिया है. इफ 2 moles एल्यूमिनियम, मोलर मास ऑफ द एटोमिक मास ऑफ द एल्यूमिनियम इज 27 into 2 दैट इज 54 ग्राम. सो एल्यूमिनियम का मास हमारे पास जब 54 ग्राम हो फॉर द आइडियल कंडीशन रिएक्शन, जब हमारे पास एल्यूमिनियम का मास कितना हो, 54 ग्राम हो,
तब हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस मिलने वाला है, व्हाट इज दी वॉल्यूम ऑफ दैट गैस, वी विल गेट 3 मोल ऑफ H2, सो अल्टीमेटली वी कैन से वॉल्यूम ऑफ दी H2 गैस इज मोल इंटू 22.4, देर इज 3 मोल, सो 3 × 22.4 लीटर। ये हो सकता है इन आइडियल कंडीशन, बट what the data given here, यहाँ पे क्या डेटा दिया गया है, इट इज नॉन दैट फॉर द 1 मोल ऑफ एनी गैस एट 0 degree centigrade एंड 1 bar प्रेशर, फॉर द एनी गैस एट 0 degree centigrade एंड 1 bar प्रेशर, हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू 1 bar, प्रेशर इज इक्वल टू 1 bar, सॉरी हमको एसटीपी कंडीशन पे वॉल्यूम चाहिए, सॉरी प्रेशर इज इक्वल टू 1 bar और उसका वॉल्यूम 0.189 लीटर हमको मिल रहा है। कब मिल रहा है, जब उसका टेम्परेचर कितना हो, 273 हो, आई रिपीट, तब उसका टेम्परेचर कितना हो, 273 हो। सो दोस्तों अगर यहाँ पे हम देखें प्रेशर टू P2 इज इक्वल टू अगेन 1 bar, तब उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, दैट वॉल्यूम वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट विल बी द वॉल्यूम, T2 ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 20 degree centigrade। अगर दोस्तों इसको हम 20 degree centigrade कैलकुलेट करें, T2 को केल्विन में कन्वर्ट करो, T2 इज इक्वल टू 20 + 273 विच इज 293 केल्विन। सो एज पर एज एसटीपी कंडीशन, एज पर एज नॉर्मल कंडीशन, अभी दोस्तों एसटीपी कंडीशन पे हमारे पास इतना वॉल्यूम है। अकॉर्डिंग टू कंबाइन गैस रूल हमको क्या करना है, जस्ट P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, अवर नीड इज V2, सो वी कैन राइट V2 इज इक्वल टू P1V1 × T2 डिवाइडेड बाई P2 × T1, P1 1 bar, V1 0.189 लीटर, T2 विच इज 293 केल्विन एंड P2, वट इज P2, दैट इज ऑल्सो 1 bar एंड T1 इज 273 केल्विन। जस्ट कैलकुलेट द वॉल्यूम, आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 0.2028 और 2028 लीटर। अगर ml में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई विद दी 1000 और 10^3, यू विल गेट 202.8 मिलीलीटर। फिर से दोस्तों अगर यहाँ पे ये दोनों गलती हो रही है आपसे, आप ये इक्वेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप यहाँ से P1V1/T1, P2V2/T2 आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तब आपके पास ये कंडीशन होगी। क्यों, कौन सी कंडीशन आपके पास हो सकती है, आपके पास ये कंडीशन होगी दोस्तों दैट, और एक चीज़ यहाँ पे मिस कर रही है मैंने, जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, और एक चीज़ ये है दोस्तों, जब हमारे पास 54 ग्राम एल्यूमिनियम है, तब उसका वॉल्यूम H2 का वॉल्यूम कितना है, 3 × 22.4, सो अगर हमारे पास 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हो, 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम, यस ये हमने यहाँ पे मिस कर दिया, सो सपोज़ जब हमारे पास 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हो, 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एट एसटीपी कंडीशन, एसटीपी कंडीशन मींस एट 1 bar प्रेशर एंड एट 273 केल्विन टेम्परेचर, तब दोस्तों V1 कैसे फाइंड आउट करना है, अगर 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हो तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन होगा 3 × 22.4, बट हमारे पास जो हाइड्रोजन है दैट हाइड्रोजन इज 0.15 ग्राम, सो 0.15 ग्राम पे कितना, यहाँ पे कैलकुलेशन में ऐड कर दूँ, 54 ग्राम पे कितना मिलेगा, 3 × 22.4, सो व्हाट अबाउट 0.15, सो वॉल्यूम ऑफ दी H2 एट एसटीपी क्या होगा, 0.15 × 3 × 22.4 डिवाइडेड बाय 54, ये होगा दोस्तों वॉल्यूम ऑफ दी H2 एट एसटीपी कंडीशन, दैट इज 0.189 लीटर, सॉरी ये मिस्टेक हुई। सो ये एक एसटीपी कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन पे मतलब अब हमको जब वॉल्यूम चाहिए तब का प्रेशर दैट इज 1 bar, तब कौन से टेम्परेचर पे चाहिए, 20 डिग्री पे चाहिए, इट मीन्स T2 इज इक्वल टू 290, तब वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2 एंड यू विल कैलकुलेट द वॉल्यूम V2 ओवर हियर। आई रिपीट दोस्तों एक गलती हुई थी, यहाँ पे हमने वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन कैलकुलेट करना जंप कर दिया था, सो फिर से एट 54 ग्राम 3 × 22.4, सो व्हाट अबाउट 0.15 ग्राम, ये नीचे लिखा है आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 24,
क्वेश्चन नंबर 24 इज द डेंसिटी ऑफ गैस एट, आई रिपीट, द डेंसिटी ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर इज 2.56 ग्राम पर लीटर, कैलकुलेट द मोलर मास। हमारे पास एक गैस है उसकी दोस्तों डेंसिटी दे रखी है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। सो डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी इज 2.15 ग्राम पर लीटर। जनरल गैस में दोस्तों आपको पता होगा ग्राम पर ml और ग्राम पर सेमी क्यूब, यहाँ पे लीटर है। रीज़न ये है दोस्तों, यहाँ पे जो हम वॉल्यूम लेने वाले हैं, अगेन दैट वॉल्यूम इन दी लीटर, और जो मास होगा दैट मास इज इन दी ग्राम, सो ग्राम पर लीटर और ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। जब टेम्परेचर प्रेशर बार में हो, टेम्परेचर कैल्विन में हो, प्रेशर बार में हो, टेम्परेचर कैल्विन में हो, वॉल्यूम लीटर या डेसीमीटर क्यूब में हो, देन व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ दी आर, 0.083। कल के लेक्चर में हमारी बात हुई थी। सो एज पर इज आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू डीआरटी अपॉन एम, ये भी हो सकता है। और टारगेट इज एम, सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू डीआरटी अपॉन पी इंटू वी, डीआरटी अपॉन पीवी। यहाँ पे गलती है, पी इज इक्वल टू डीआरटी अपॉन एम, पी इज इक्वल टू डीआरटी अपॉन एम, नॉट पी इन टू वी, पी इज इक्वल टू डी आर टू एम। बिकॉज यहाँ पे डेंसिटी कब बनी होगी, जब वहाँ पे मास एंड वॉल्यूम कैलकुलेट किया होगा तभी तो डेंसिटी आई है। सो पी इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन एम, एम इज इक्वल टू क्या होगा, डी आर टी अपॉन पी। डेंसिटी 2.56, आर 0.083, टेम्परेचर 300 डिवाइडेड बाई प्रेशर दैट इज P1, कैलकुलेट करो यू विल गेट मोलिकुलर मास 63.74 और नियर अबाउट 63.74 ग्राम पर मोल, इजी क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 26, आई रिपीट, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों आपको दे रखा है, दैट इज अ डेंसिटी ऑफ गैस इज फाउंड 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अभी क्या हुआ था, लीटर, यहाँ पे क्या है ग्राम, 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर इनवर्स 3 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 बार प्रेशर, व्हाट विल बी द डेंसिटी एट एसटीपी। अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट हुआ पर्टिकुलर फॉर एमसीक्यू। जनरल केस में कंबाइन गैस रूल में हम क्या करते हैं, दैट P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। यहाँ पे दोस्तों डेंसिटी का यूज करना है, अगेन कंबाइन ही होगा। सो डेंसिटी 1 विच इज गिवन 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और ग्राम पर लीटर, P1 दैट इज 2 बार, T1 इज इक्वल टू 27, सो वी कैन राइट 300 केल्विन, P2 दैट इज अगेन 1 बार, T2 273 केल्विन, सो वी हैव टू फाइंड आउट D2 डेंसिटी। बट एज पर एज आइडियल गैस इक्वेशन कंसर्न, डेंसिटी से रिलेटेड ऐसा कोई डायरेक्ट इक्वेशन नहीं है, बट हम लिख सकते हैं हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज P इज इक्वल टू DRT अपॉन M। इफ माई टारगेट इज डेंसिटी, सो आई कैन राइट डेंसिटी इज इक्वल टू पी इंटू एम डिवाइडेड बाई आरटी, डेंसिटी इज इक्वल टू पी इंटू एम डिवाइडेड बाई आरटी। अगर दोस्तों आप ठीक से देखो, अगर हम सेम एक ही गैस की बात करते हैं, देन मोलर मास फॉर द होल रिएक्शन विल बी कॉन्स्टेंट, आर इज कॉन्स्टेंट, मोलर मास एंड आर कॉन्स्टेंट रहा, देन वी कैन राइट डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू पी अपॉन टी, डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू पी अपॉन टी। सो ये दोनों इक्वली रहेंगे पूरी कंडीशन में। अगर आप ये लिखो D1 इज इक्वल टू P1 m r अपॉन T1, D1 इज इक्वल टू P1 इंटू m डिवाइडेड बाय r इंटू T1। सिमिलर कंडीशन D2 इज इक्वल टू P2 इंटू m r अपॉन T2। सो बोथ साइड m and r कैंसिल, सो वी कैन राइट D1 इज इक्वल टू P1 अपॉन T1, D2 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। यहाँ पे दोस्तों हम रेशियो ले, D1 इज इक्वल टू P1 अपॉन T1, देन डिवाइडेड बाय D2 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, उसको मैं ऊपर लिख दूँ, हो सकता है वैल्यू आपके पास है अभी आपको, ओके आपका जो इक्वेशन होगा दैट इज D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू P1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1 इंटू P2, यू हैव टू कैलकुलेट D2 कैलकुलेट करना है, मेक द टारगेट D2 D1, P1, T2, T1, P2, ऑल द पैरामीटर्स आर गिवन हियर, जस्ट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द डेंसिटी। रिमेंबर द यूनिट फॉर द डेंसिटी इज ग्राम पर डेसीमीटर इनवर्स 3 डेसीमीटर क्यूब
or we can say gram into decimeter inverse 3, otherwise gram into liter inverse. That will be answer. Dhyan se. Last example, example number 27. Example number 27 is 273 Kelvin temperature. Density of a gaseous oxide is oxide at 2 bar is same as the nitrogen at 5 bar. Calculate the molar mass of the oxide. हमारे पास दो अलग अलग गैसेज है, वन इज ऑक्साइड वन इज नाइट्रोजन. ये नाइट्रोजन और ऑक्साइड दोनों की डेंसिटी इक्वल है, बट कब दोनों की डेंसिटी इक्वल है? जब प्रेशर ऑफ दी नाइट्रोजन गैस इज 5 बार एंड प्रेशर ऑफ दी ऑक्साइड इज 2 बार. सो हम पहले दोनों की डेंसिटी लिखना ट्राई करें. वी कैन राइट डी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी. डी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी. ओके, सो डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज पी एम अपॉन आर टी. प्रेशर एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इज 27 प्रेशर 5 बार, टेम्परेचर 273 केल्विन. सो आर एज इट इज रख दिया दोस्तों. मोलर मास ऑफ द नाइट्रोजन, व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ द N2? 14 प्लस 14 28. सो वी कैन राइट डेंसिटी ऑफ द नाइट्रोजन इज 5 इंटू 28 डिवाइडेड बाई आर इंटू 273. फॉर गैसेस ऑक्साइड, जो दूसरा ऑक्साइड है उसकी इतनी ही डेंसिटी इक्वल टू नाइट्रोजन, बट कंडीशन क्या है? प्रेशर 2 बार, टेम्परेचर 273. फॉर द गैसेस ऑक्साइड डेंसिटी इज इक्वल टू पी इंटू एम आर इंटू डी. प्रेशर पी इज 2 बार. मोलर मास ऑफ द ऑक्साइड दैट वी हैव टू कैलकुलेट. आर इज कॉमन फॉर द बोथ कंडीशन. एट विच टेम्परेचर? 273 टेम्परेचर. सो डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड. सो हमारे पास दोस्तों एक चीज है, दैट डेंसिटी ऑफ द नाइट्रोजन एंड द डेंसिटी ऑफ द ऑक्साइड आर इक्वल. सो यू हैव टू जस्ट कंपेयर द बोथ डेंसिटी डी एन टू डी ऑक्साइड. डी एन टू इज इक्वल टू 5 इंटू 28 डिवाइडेड बाई आर इंटू 273 इज इक्वल टू 2 इंटू एम डिवाइडेड बाई आर इंटू 273. बोथ साइड आर कैंसिल हो गए. टारगेट किसको बनाना है? मोलर मास को कैलकुलेट करना है और आपको खुद से फाइंड आउट करना है व्हाट इज दी मोलर मास फॉर दी ऑक्साइड. ठीक है. सो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर बेस लेवल एग्जाम्पल्स फ्रॉम दी एन सी ई आर टी, फ्रॉम सम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स सब हमने कर लिए. अभी दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल होगी, बट उसकी बात में होगी. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, आफ्टर द एग्जाम्पल फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, अब एक कम नया रूल, नया लॉ पढ़ने जा रहे हैं. उसके रिलेटेड भी बोर्ड एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में एमसीक्यूज एज वेल एज एग्जाम्पल आ सकते हैं. ठीक है. सो पार्शियल प्रेशर फॉर द गैसेस, पहले हमको ये पढ़ना है व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस. उसके बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर. बट बिफोर दैट आपको एक दो कंडीशन इमेज करनी है. व्हाट इज द कंडीशन? सपोज हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है, एयर टाइट क्लोज कंटेनर. आई रिपीट, एयर टाइट क्लोज कंटेनर लाइक दिस. ये कोई कंटेनर है. सपोज इसको थ्री डायमेंशन में इमेज करो. यहाँ पे टू डायमेंशन दिख रहा है. एक ऐसा कोई कंटेनर है थ्री डायमेंशन में जो एयर टाइट है. इसके अंदर दोस्तों देर इज टू टाइप्स ऑफ गैस. फर्स्ट इज टाइप ए एंड टाइप बी. टाइप ए और टाइप बी दोनों टाइप के गैसेस हैं. इफ गैसेस इज देयर देन प्रेशर इज देयर. अगर गैस है तो उस गैस के रिलेटेड प्रेशर होगा बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दैट गैसेस. और गैस के पार्टिकल एक दूसरे के साथ अटैक कर सकते हैं, वॉल पे अटैक कर सकते हैं, वॉल ऑफ द कंटेनर. सो वहाँ पे कोई ना कोई प्रेशर भी होगा. वहाँ पे दोस्तों जो प्रेशर होगा वो प्रेशर को हम पी टोटल बोल सकते हैं, टोटल प्रेशर. इसके अंदर कंटेनर के अंदर दो ही टाइप के गैसेज हैं, बट वहाँ पे जो दो टाइप के गैस है उसमें से जितने भी पार्टिकल फ्रॉम दी ए टाइप गैस, आई रिपीट, जितने भी पार्टिकल हमको दिख रहे हैं फ्रॉम दी ए टाइप गैस, उसके रिलेटेड जितना भी प्रेशर होगा दैट इज दी पार्शियल प्रेशर ऑफ दी ए गैस. सिमिलर गैस फ्रॉम दी पार्टिकल ऑफ दी बी टाइप गैस, द प्रेशर इज नॉन एज अ पी बी. उसके रिलेटेड जो भी प्रेशर होगा दैट प्रेशर इज नॉन एज अ पी बी एंड दैट इज नॉन एज अ पार्शियल प्रेशर. सो एक ही कंटेनर में एक से ज़्यादा गैसेस है, एक ही कंटेनर में एक से ज़्यादा गैसेस है, तब दोस्तों टोटल प्रेशर को ध्यान में न रखते हुए एज पर एज कंसर्न कोई भी जो गैस है वो गैस का इंडिविजुअल जो प्रेशर होगा बिकॉज ऑफ दैट गैस, दैट इंडिविजुअल प्रेशर इज नॉन एज अ पार्शियल प्रेशर. नाउ डाल्टन्स लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर. डाल्टन्स लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर क्या है दोस्तों? अभी यही फिर से सेम कंडीशन. सपोज ये कंटेनर है और कंटेनर के हमारे अंदर हमारे पास ए बी सी
या ओनली ए बी मोर देन वन टाइप, एक से ज़्यादा टाइप के गैस है इन दी क्लोज कंटेनर। सपोज यहाँ पे तीन टाइप के गैसेस है, गैस ए, गैस बी एंड गैस सी। अभी एक कंडीशन है, इन तीनों के बीच में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ओके, देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन ए बी एंड सी। तब अगर मेरे को पार्शियल प्रेशर चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ दी गैस ए, वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ए वो होगा पी ए, द प्रेशर बिकॉज ऑफ गैस ए पार्टिकल, द प्रेशर बिकॉज ऑफ गैस बी पार्टिकल विच इज नॉन एज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ द बी दैट इज पी बी, एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ सी दैट इज नॉन एज अ पी सी विच इज फ्रॉम द पार्टिकल ऑफ द गैस सी मॉलिक्यूल। इन सब का अगर टोटल करें दैट इज पी टोटल, दैट इज पी टोटल, सो वी कैन राइट पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस सी सी। रिपीट, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। सो वी कैन से फॉर दी क्लोज कंटेनर एक से ज़्यादा गैस है, उनके बीच में रिएक्शन नहीं हो रही है, उन सभी गैसेस का पार्शियल प्रेशर का जो एडिशन है, और वी कैन से जो सम है दैट इज नॉन एज अ पी टोटल, वही पी टोटल होगा, दैट इज द लॉ और दैट इज द रूल ऑफ द डाल्टन। ओके, सो द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू बट नॉन रिएक्टिंग, ये दोस्तों कंडीशन सबसे बड़ी है, उन सभी गैसेस के बीच में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस इन अ डिफाइनाइट वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर विच ईच गैस वुड एक्सेप्ट इफ इट ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम अलोन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और वो जो उसका अलोन इंडिविजुअल टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर इज नॉन एज अ पार्शियल प्रेशर। तो आपको ये कहा है, यही कंटेनर के अंदर अगर बी या सी ना हो, ओनली ए गैस इज देयर, तब जो प्रेशर है उसको हम बोलेंगे पी बी। अगर ए और बी टाइप के गैस ना हो, ओनली सी टाइप गैस इज देयर, तब जब जो प्रेशर होगा दैट इज पी सी। और ए टाइप और बी टाइप वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, ओनली बी इज देयर, द प्रेशर इज नॉन एज अ पी सी पी बी सॉरी। अभी इन तीनों को सिमिलर वही कंटेनर में एक साथ भरते हैं, तब जो प्रेशर होगा विच इज द सम ऑफ द पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी दैट इज पी टोटल, दैट इज द डाल्टन्स लॉ, नथिंग एल्स। आपको दोस्तों एक डिस्प्ले दिखा रहे, आपको एक इमेज दिख रही है, इन दैट इमेज हमको यहाँ पे दो अलग अलग गैसेस इन द सेम कंटेनर दैट इज अ गैस ए एंड गैस बी, यू कैन सी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ए इन कंटेनर अलोन, अकेला का उसका पार्शियल प्रेशर कितना है दैट इज 0.30 बार। एट द सेम टाइम पी बी कितना दिख रहा है, पी बी 0.55 बार। वही कंटेनर में अगर दोनों गैस को मिक्स करें, यू कैन सी द प्रेशर इज 0.30 प्लस 0.45 विच इज 0.75 बार, दैट इज द डाल्टन्स लॉ। इतना सिंपल दोस्तों डाल्टन लॉ है। सो अल्टीमेटली डाल्टन लॉ इज नथिंग बट द डाल्टन लॉ इज पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी और पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री एक्सेट्रा। मिनिमम टू टाइप्स ऑफ गैसेस चाहिए, मैक्सिमम दो से ज़्यादा हो गए, कितने भी हो सकते हैं, बट द थिंग इज दे डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, दैट इज द मेन कंडीशन। सपोज देर इज वन गैस, गैस वन with partial pressure P1, gas 2 with partial pressure P2, the total pressure is P1 plus P2, total pressure is P1 plus P2, very simple। So ये Dalton rule simple है। अभी इसके related एक equation हमको और derive करना है, जहाँ पर हम use करने वाले हैं ideal gas equation, partial pressure in terms of mole fraction, mole fraction के term में चाहिए। Just suppose हमारे पास कोई container है, in a container there is three types of gases there, which is gas A, gas B and gas C. The mole of the gas A is Na, mole of the gas B is Nb and mole of the gas C is Nc. The partial pressure of the gas A is Pa, partial pressure of the B is Pb and partial pressure of the gas C is Pc. Kya hoga? अगर ये तीनों गैस आइडियल है, आई रिपीट, अगर ये तीनों गैस आइडियल है, सो व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर गैस ए के लिए बात करूँ, फॉर दी गैस ए आई कैन राइट
पी ए वी ए नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता बिकॉज इन तीनों को मैंने एक ही कंटेनर में भरा है और जिसका वॉल्यूम इक्वल है. सो वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी. सो आई कैन नॉट राइट वी ए इज इक्वल टू एन ए. आर तो सबके लिए कॉमन है. इन सेम कंटेनर इट मीन सेम टेम्परेचर. सो टी बी कॉमन है. सो आई कैन नॉट राइट टी ए. वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी एट द सेम टाइम टी ए इज इक्वल टू टी बी इज इक्वल टू टी सी. सो यहाँ पर नहीं लिखते. आर तो कॉन्स्टेंट ही है. This is equation number one. Suppose for the gas B, what can I write gas B? I can write PB into V is equal to NB RT as per as first rule. यहाँ पे दोस्तों ये भी हो सकता है for the B. For the gas C के लिए क्या लिख सकते हैं? That pressure of the C PCV is equal to NCRT upon NCRT. That is equation number three. अभी ये तीनों इक्वेशन को हम क्या करें, तीनों पी टोटल चाहिए. सपोज मेरे को इफ माई नीड इज पी टोटल, देन मैं यहाँ पे लिखूंगा पी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी अपॉन वी, पी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी अपॉन वी एंड पी सी इज इक्वल टू एन सी आर टी अपॉन वी. सो आई हैव थ्री पार्शियल प्रेशर फ्रॉम दी थ्री डिफरेंट केसेस विच इज ए बी एंड सी. आई कैन राइट पी ए पी बी एंड पी सी एज पर एज डाल्टन्स लॉ. As per is Dalton's law, I can write P total is equal to PA plus PB plus PC. What is the value of PA? That is NA RT upon V, PB NB RT upon V, PC NC RT upon V. Here you can see RT upon V is the common. If we take common RTV, we can write R into T by V. NA plus NB plus NC. So I can write NA plus NB plus NC. NA plus NB plus NC into RT upon V. That is equation number 4. That is equation number 4. Dosto, ab main kya karne ja raha hu, you can see. Just divide the equation number 4 from equation number 1. Equation number 1 से हम equation number 4 को divide करते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों? मैं पहले equation number 4 लिख देता हूँ. That equation number 4 is nothing but the P total. So P total is equal to, I can write P total is equal to NA plus NB plus NC into RT upon V divided by PA. PA is equal to NA into RT upon V. NA into RT upon V को आप चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो NA upon RT upon V. ये तो हो सकता है. अभी यहाँ से कैंसिल क्या होगा? RT RT V and V कैंसिल. यू कैन सी NA plus NB plus NC. I repeat, NA plus NB plus NC divided by NA. यहाँ पे दोस्तों गलती होगी, मेरे को क्या करना था, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करना था. नॉट टू वरी, अगर इक्वेशन 4 को 1 से डिवाइड कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है. हम यहाँ पे थोड़ा सा अभी चेंज करते हैं, हम थोड़ा सा चेंज ये कर दे, दोनों का इनवर्स ले लेते हैं, इनवर्स फ्रॉम दी राइट हैंड साइड एंड दी लेफ्ट हैंड साइड. हाँ, अगर आप पहले से इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड करते हो तो सही था. अगर यहाँ पे ऐसा नहीं किया है मैंने तो भी कोई दिक्कत नहीं है. अगर यहाँ पे इनवर्स ले बोथ साइड, देन आई कैन राइट पी ए ऊपर और पी ए नीचे. पी टोटल इज इक्वल टू एन ए कहाँ जाएगा, ऊपर, और एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, दैट इज एग्जैक्टली एन टोटल. उसको मैं एन टोटल लिख सकता हूँ. मोल ऑफ द वन गैस डिवाइडेड बाई मोल ऑफ द ऑल गैस विच इज नॉन एज अ मोल फ्रैक्शन एक्स ए हो जाएगा. So we can write PA upon P total is equal to XA. I can write PA is equal to XA into P total. Clear? So partial pressure in terms of mole fraction, partial pressure of gas A is equal to XA into P total.
If your need is partial pressure B, what can you do? You can write PB is equal to XB into P total. PC is equal to XC into P total. Simple. So, ये होगा हमारा equation. Repeat दोस्तों, यहाँ पे मैंने equation 4 को 1 से divide किया. अगर 1 को 4 से divide किया होता, तो एक step यहाँ पे कम होता. और कुछ नहीं हुआ है, वी हैव एड वन स्टेप, एक स्टेप ज़्यादा हुआ है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सो इन शॉर्ट हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं दैट पी आई इज इक्वल टू एक्स आई इंटू पी टोटल, वेयर आई इज इक्वल टू 1, 2, 3 और ए बी सी और पी क्यू आर इन एनी टर्म. यू कैन राइट द सेम फॉर्मूला. अभी दोस्तों एक और फॉर्मूला है फॉर द पार्शल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, बट उसको अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है. बट इन दी एक्सरसाइज एग्जांपल दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पे वो फॉर्मूला के रिलेटेड कैलकुलेशन करना पड़ेगा. जब डाल्टन रूल से हम कैलकुलेशन देखेंगे तब दोस्तों फॉर्मूला में ऐड करवा दूंगा. एनसीईआरटी थियोरी पोर्शन में नहीं है. पार्शियल प्रेशर का इज वन मोर फॉर्मूला विच इज रिलेटेड टू परसेंटेज वॉल्यूम, बट अभी उसकी नीड नहीं है. सो यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, यही हमारी नीड थी. एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ. डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन क्या होगी? ये जो बना ना पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, उसके रिलेटेड एक बात कर रहा हूँ. सपोज दिस इज द रिएक्शन चैम्बर. इन दिस रिएक्शन चैम्बर हम क्या कर रहे हैं? इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन चैम्बर वी आर फॉर्मेटिंग ओ टू गैस. हमने यहाँ पे ओ टू गैस बनाया है. कौन सा गैस? ओ टू. अभी उसको कलेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? फ्रॉम दी वाटर सरफेस, ऊपर से दोस्तों यहाँ से ले रहे हैं, ये होगा वो टू, जिसके नीचे टू मेंटेन दी प्रेशर एच टू इज देयर. और यहाँ पे मैकेनिकली फ्रॉम दी मोशन ऑफ दिस गैस प्रेशर ऑफ ओ टू इज कैलकुलेटेड. प्रेशर ऑफ ओ टू, और ये प्रेशर ऑफ ओ टू एक ही गैस है, सो दैट वी कैन राइट हियर प्रेशर ऑफ ओ टू इज एक्चुअली प्रेशर पी टोटल, बिकॉज एक ही गैस है. ऐसा मान के चलते दैट यहाँ पे जो प्रेशर मिला दैट इज प्रेशर ऑफ ओ टू. बट एक्चुअली दोस्तों होगा क्या, किसी भी गैस को आप इस तरह से जब कलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द एच टू ओ, हमको ये लगेगा दैट ओनली दैट पर्सनल गैस इज देयर. अभी हम यहाँ पे ओ टू की बात कर रहे हैं, हमको ये लगेगा दैट ओनली ओ टू इज देयर. बट एक्चुअल में दोस्तों ओ टू के साथ कुछ छोटी थोड़ी बहुत क्वांटिटी में क्या होगा, ये एच टू ओ भी गैसियस फॉर्म में होगा. सो जिसको हम पी ओ टू बोल रहे हैं, जिसको हम पी टोटल बोल रहे हैं, एक्चुअली क्या है वो है एक्चुअली पी ओ टू प्लस पी एच टू ओ, बट उसको मैं ड्राई बोलूंगा, पी ओ टू ड्राई प्लस पी एच टू ओ, बिकॉज जो पहले प्रेशर हमने कलेक्ट किया, जो पहले प्रेशर कैलकुलेट किया, हमने अज्यूम किया था दैट ओ टू अगर वहाँ पे फॉर्मेट है देन जो भी प्रेशर मिला दैट प्रेशर इज बिकॉज ऑफ ओ टू, सो पी टोटल इज नथिंग बट द पी ओ टू. बट एक्चुअली क्या होगा, ओ टू ड्राई नहीं है, ओ टू के साथ थोड़ा मॉइस्चर है फ्रॉम दी एच टू ओ, सो दैट पी ओ टू इज नॉट एक्चुअली पी ओ टू ड्राई. ड्राई फॉर्म में ओ टू नहीं है, उसके साथ क्या है एच टू ओ. सो ये फॉर्मूला आपको काम आएगा दैट पी ओ टू इज इक्वल टू और पी टोटल इज इक्वल टू पी ओ टू ड्राई प्लस पी एच टू ओ. कई बार क्या होगा, आपको प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ द एच टू ओ दिया गया होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द एच टू ओ इज देयर. फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन आप पी ओ टू कैलकुलेट कर दोगे, आप बोलोगे यही दिस इज द आंसर, आपको ये लगेगा पी ओ टू वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी ओ टू वी इज इक्वल टू एन ओ टू आर टी, सॉरी पी वी इज टू एन आर टी. सभी पैरामीटर दिए गए हैं, आपने पी को टारगेट किया और लिख दिया पी ओ टू इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन किया और आपको जो मिला प्रेशर एक्चुअली वो प्रेशर क्या होगा पी ओ टू, सॉरी वो प्रेशर पी ओ टू ड्राई होगा. अभी इन दोनों को ऐड करके आप जो बोलोगे दैट इज एक्चुअली पी ओ टू और पी टोटल. सेम केस आपको दे रखा है दिस इज पी ओ टू एंड कैलकुलेट द पी ओ टू ड्राई. आपको पी ओ टू दे रखा है और पी ओ टू ड्राई कैलकुलेट करना है, तो अब क्या आप क्या करोगे, जो भी वैल्यू आपके पास है, जो भी वैल्यू आपके पास है वो वैल्यू में से अगर आप पी एच टू ओ माइनस करोगे अवर नीड इज पी ओ टू बट इन दी ड्राई फॉर्म, सो वी कैन राइट पी ओ टू और पी टोटल माइनस पी एच टू ओ. जब दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है. सो आज के लेक्चर में हमारा कंटेंट यहाँ तक रहेगा. आइडियल गैस इक्वेशन खत्म हो चुके हैं, डाल्टन्स लॉ हमने पढ़ लिया है, उससे रिलेटेड और कुछ एग्जाम्पल्स है विच वी आर कैलकुलेट इन दी
नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए.